Hey people, this is Swati and today in this video I am going to show you the passing marks of the subjects. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं whether it is a zoology honors, botany honors, chemistry honors, physics honors, maths honors, ये सारे साइंस के हैं, कॉमर्स एंड आर्ट्स के भी जितने सारे हैं जिनके कितने फुल मार्क्स पे उनका पासिंग मार्क्स क्या होता है तो वो मैं बताने जा रही हूँ. मतलब अगर आप लोग उतना अगर आपने स्कोर कर लिया है पासिंग मार्क्स तो उसके बाद आप लोग को पास कर दिया जाएगा, ठीक है. यानी कि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगेगा. तो मैं अभी बताने जा रही हूँ वही चीज़. एंड अभी यहाँ पे एज यू कैन सी कि अभी जो है सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आने की बारी है. एंड रिजल्ट्स जो हैं मैंने जैसे बताया है पिछले वीडियो पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो. मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि रिज़ल्ट सेमेस्टर 2 एंड 4 का कब तक आएगा. मैंने वहाँ पे प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर 1 के रिजल्ट्स में. एंड मुझे लगता है कि वो जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो सही जाएगा. तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे सब्जेक्ट्स के. मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट के क्या होगा. आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स कितना है. तो चलो मैं बताती हूँ. जैसे कि अभी कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट जिसका फुल मार्क्स 80 है, ठीक है, 80 है, तो उसका पासिंग मार्क्स जो होगा वो 32 होगा, ठीक है. उसका पासिंग मार्क्स 32 होगा. एंड अगर मान लेते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट को हम किसी का फुल मार्क्स जो है वो 60 है तो उसका पासिंग मार्क्स 24 होगा. जैसे कि अगर आप लोग अभी देखोगे तो जूलॉजी ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, जूलॉजी कोर 1, 2, 3, 4, उनके जितने भी पेपर हैं उनका फुल मार्क्स 60 ही है तो उनका पासिंग मार्क्स जो है 24 है. अगर आपने 24 स्कोर कर लिया है तो आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा. एंड अगर किसी सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स 40 है, जो कि जनरली AECC सब्जेक्ट का होता है जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंटल साइंस और अभी तो पॉलिटिकल साइंस से कुछ रिलेटेड होंगे, तो उसका जनरली फुल मार्क्स 40 होता है, तो जिसका कि पासिंग मार्क्स 16 होगा उसका, ठीक है, पासिंग मार्क्स 16. अगर आप लोगों ने 16 स्कोर कर लिया तो आप लोग पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में. तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन इन सब्जेक्ट्स में और जनरली जो है 80 मार्क्स तक ही जाता है, ठीक है. एंड अगर अभी जैसे कि सेमेस्टर 1 के लिए जिनका सेशन 2022 से 26 तक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके जो है पासिंग मार्क्स अलग हो जाएंगे. तो ये वीडियो है जिनका सेशन 2001 से 24 तक के लिए है या फिर उनसे पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. ये वीडियो NEP के एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, उनके कुछ मार्क्स चेंज हो जाते हैं. तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर NEP स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर सेशन 2021 to 24, ठीक है, जो कि पुराने वाले सिलेबस पे बेस्ड है. सो इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.